हेलो फ्रेंड, आज आपको बात करने वाला TVS एक्सेल सुपर का साइलेंसर क्लीन किस तरीके करते हैं। इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा पिकअप का प्रॉब्लम, इसका माइलेज का भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम किस तरीके से हुआ, इसका ब्लॉक क्यों हुआ। एक टू स्ट्रोक इंजन है, इसमें क्या है, इसमें टूटी ऑयल मिक्स करता है। टूटी ऑयल मिक्स किया जो करता है, इसमें क्या ऐसा है, जो वो जो ऑयल है ना मिक्स पेट्रोल का साथ मिक्स होता है। मिक्स होने का क्या होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा इसका जब जलन होता है, जलन होने के बाद जल के वो एग्जॉस्ट का साइड से बाहर निकलता है। जब भी एग्जॉस्ट का साइड से जब बाहर निकलता वो जाके पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अभी क्या करता, इसको साइलेंसर किस तरीके से क्लीन करता उसके बारे में बताने वाला। सबसे पहले क्या करने का, ये तीनों स्क्रू निकलने का, 1 2 3, ये तीनों स्क्रू को ओपन करता। ओपन करने के बाद आपको दिखाता, देख पा रहे फ्रेंड, मैं इसका तीनों स्क्रू निकल दिया। उसके बाद क्या करने का, आप ये जो दोनों इस दोनों 10 नंबर का जो बोल्ट है ना, 1 2, इसको ओपन करने का। ओपन करने के बाद उसके बाद आपको देखा था, देख पा रहे फ्रेंड, मैं 1 10 नंबर का जो बोल्ट है उसको निकल दिया। दूसरा भी इसी तरीके से भी निकालने का है। देख पा रहे हैं फ्रेंड, मैं इसका दोनों स्क्रू निकल दिया। उसके बाद साइलेंसर भी इसका ये निकल गया। उसके बाद क्या करने का, देख पा रहा है अंदर कितना ब्लॉक हो गया, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इसका ब्लॉक हो चुका है। पता लगा कितना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो गया अंदर। ठीक है, अभी इसको क्या करने का, अच्छे से इसको आग से जलाने का, जलाने के बाद क्लीन करने का, नहीं तो ऐसा क्लीन नहीं होगा। ठीक है, अब भी आगे का प्रोसेस आपको बताता। देख पा रहा है फ्रेंड, मैं अभी आग जला चुका हूँ। उसके बाद क्या करने का, फूल अभी आग जलेगा। उसके बाद क्या करने का, ये जो देख पा रहे हैं साइलेंसर है उसको अच्छा से इसको जलाने का। जब जलाएगा ना, अंदर का जो पूरा ब्लॉक हो चुका था वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करने का आपको बता देता है। ठीक है, इसको बराबर से इसको बराबर से ऐसा रख के बराबर से इसको क्लीन करने का। क्लीन करने के बाद आपको देखा था किस तरीके से पूरा साफ होता है। ठीक है, पूरा क्लीन करके आपको देखा था। देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये पूरा अभी जल रहा है। ठीक है, और भी आगे प्रोसेस बताने वाला, चलिए वीडियो देखते रहे। देख पा रहे फ्रेंड, अभी ये पूरा जल के पूरा क्लीन हो गया। अभी क्या करने का, अंदर का जो है उसको थोड़ा घिस के उसको भी क्लीन करने का। अभी उसको किस तरीके से क्लीन करने का आपको देखा था। देख पा रहे फ्रेंड, इसी तरह से इसको भी एक बड़ा सा छीन लेने का, छीने से इसको ऐसा ऐसा करके उसको निकाल देने का। देख पा रहे हैं, पीछे से भी निकल जा रहा है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कितना निकल रहा है, वो पूरा ब्लॉक निकल चुका है। देख पा रहे हैं, हाँ, नीचे से देख पा रहे हैं ना कितना निकल रहा है, देख पा रहे हैं कितना निकल चुका है, इधर नीचे कितना ब्लॉक ब्लॉक देख पा रहा है अभी, ये पूरा अंदर था। ठीक है, इसी को भी क्लीन करने की इसी तरीके है, इसको भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करने का। क्लीन करने के बाद आपको वॉश करके भी देखा था। ठीक है, चलिए वीडियो आगे देखते रहे। देख पा रहे फ्रेंड, इसी तरीके से आप जो वॉश करने का, बुरी तरह से अगर वॉश किया रहा, थोड़ा भी इसका अंदर का कचरा थोड़ा भी नहीं रहेगा, तो आपका पिकअप बुरी तरह से बढ़िया देगा। सबसे पिकअप का तो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहा है कितना निकल रहा है कचरा, कितना कचरा निकल रहा है यार, इसी तरीके से क्लीन करने का, कितना कचरा निकल रहा है।
पड़ा है कितना कचरा निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर क्लीन किया ना, आपका पिकअप तो बोलिया दिएगा ही, 100% दिएगा, ठीक है। साइलेंसर पूरा ब्लॉक हो जाएगा, हो गया था। चलिए आगे का अभी प्रोसेस बता था, फुल फिटिंग फिट करके देख पा रहे फ्रेंड, मैं अच्छे से वॉश करके लिया। अभी क्या करने का, अभी फिट करने का, अभी फिट किस तरीके से करने का देखा था आपको। सबसे पहले क्या करने का, ये जो देख पा रहा है ये जो जाली है, ये अंदर से इसको बैठाने का, ठीक है। सबसे पहले ये अंदर जाएगा, उसके बाद क्या करने का, ये जो मपलेट का, ठीक है, साइलेंसर का, ये भी इसको बैठाने का, ठीक है। इसको इसी तरीके से इसको बैठाने का, ठीक है। लेकिन बैठाने के पहले एक बात बोलने वाला, ठीक है। ये जो है ना, इसका ये बैठाने का, इसका गैसकेट, क्योंकि लीक थोड़ा भी नहीं होना मांगता, ठीक है। इसी तरीके से इसको बैठाने का, ठीक है। देख पा रहे हैं, मैं इसको बैठा दिया। उसके बाद क्या करने का, इसमें दो दो इसका बोल्ट रहेगा, ठीक है। आपको इसको टाइट करता, टाइट करने के बाद आपको दिखाता मैं इसका, इसको अभी लगा रहा है, जो 10 नंबर का जो बोल्ट है उसको मैं लगा दे रहा है। दोनों लगाने के बाद इसको फुल टाइट करता, फुल टाइट करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता। देख पा रहे फ्रेंड, मैं ये दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद दूसरा साइड का टाइट करने का, ठीक है। ये जो और एक भी देख पा रहा है साइलेंसर का, ये एग्जॉस्ट का तरफ लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से इसको बैठाने का, ठीक है। देख पा रहे हैं, मैं इसको बैठा दिया। उसके बाद क्या करने का, दोनों इसको बोल रहेगा 10 नंबर का, उसको भी अच्छे से बैठाने का, ठीक है। देख पा रहे हैं, मैं अच्छे से इसको बैठा दिया, ठीक है। ये फुल टाइट करता, फुल टाइट करने के बाद आपको देखा था, ठीक है। देख पा रहे हैं फ्रेंड, मैं इसको दोनों बोल्ट को 10 नंबर का अच्छे से टाइट कर दिया। अभी क्या करने का, पूरा ये साइलेंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप भी अगर इस तरीके से क्लीन करने का था, आपका पिकअप 100% अच्छा से होएगा। इसका अच्छा से पिकअप भी लेगा, इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम वो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपका देख के मेरा थोड़ा भी अगर सीखने के लिए आपको मिला, तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाटा।